मैं भी आपको एक ब्लाउज बाजू का डिजाइन बना के दिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने ये देखो मोटे मोटी सिलाई लगा ली है, ये देखो दिख रही होगी आपको, मोटी सिलाई लगा ली है। और उसका मैं एक धागा पकड़ के और ऐसे रिंकल्स डालती जाऊंगी ऐसे करके, ये पूरे में मतलब मैं धीरे धीरे करके रिंकल्स डाल दूंगी। और रिंकल्स कितनी डालूंगी मैं, ये मैंने बाजू कट करके रखी है, ये बाजू कट करके रखी है, तो मैं इतनी रिंकल्स बनाऊंगी कि इसके यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, मतलब यहाँ तक आ जाए, इतनी रिंकल्स बनाऊंगी। और फिर आपको डिजाइन बना के दिखाती हूँ, रुक जाओ। मैंने धागे को इस टाइप से पकड़ के खींचा है कि मैंने ये इस साइज का कर लिया है, ये देखिए इस साइज का कर लिया है। और मैं इसको धीरे धीरे करके इस पे सिलाई से जोड़ दूंगी। इधर जैसे ही सिलाई में ज्यादा चला जाएगा ना इधर, तो इधर से रिंकल्स मैं कम डालूंगी और ये बीच में थोड़ा सा ज्यादा डालूंगी। तो इधर जैसे ये जब अपन 5 इंच का या 5.5 इंच की जब बाजू की गोलाई का वो करेंगे तो उसमें चला जाएगा, इसलिए मैं इधर कम रिंकल्स प्रीफर करूंगी और बीच में ज़्यादा। ये देखिए मैं इसको इसके इन रिंकल्स के साथ ही सीलती जा रही हूँ, ये इनके साथ सीलती जा रही हूँ मैं। जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम कर रही हूँ, जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब बैलेंस ठीक बना रही हूँ। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर देना है और जहाँ पे कम है वहाँ पे बढ़ा देना है। जैसे अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खींच के कम कर दूंगी। ये यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं वो करके धीरे धीरे करके इसको सिलाई चला दूंगा। ऐसे और पूरा यहाँ तक मैं ले आऊंगी ऐसे करके, जहाँ पे कम है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, जहाँ ज़्यादा है वहाँ थोड़ा कम कर देती हूँ। ये देखिए मैं पूरा सील दूंगी इसको जो चाहती। ये आप सूट की बाजू में भी लगा सकते हैं और ब्लाउज की बाजू में बना सकते हैं, वाला डिजाइन आप बहुत खूबसूरत लगता है इससे। ये थोड़ा सा वो उठा के पंजे को ही कपड़ा इधर अगर हो जाता है तो हाथ से आपको ठीक कर देना है, ऐसे नहीं कि जैसा कपड़ा हो रहा है वैसे इसी ले जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। ये देखिए ये अभी सिल गया है, अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका। सिलाई लगा दूंगी प्रेस, इसे प्रेस की सिलाई भी बोलते हैं और इसको जमाने के लिए भी लगाया जाता है, जैसे कपड़ा एक जगह से जम जाए उठे ना इस टाइप से। ये सिलाई लग गई है, अब हम ये लेस लगाएंगे, ये भी लगा सकते हैं और हम ये भी लगा सकते हैं ये भी। तो मैंने सूट में भी ये वाली लेस लगाई है सूट के पीछे बैक में, और अब इस बाजू में भी मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। ये दिखाती हूँ लगा के आपको, ये देखना इसका फाइनल लुक आ गया है ये। और अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, सूट के साथ अटैच करते हैं। ये बाजू बिल्कुल देखो कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई है और कितना सुंदर लुक दे रही है ये देखो आप। इसको बाजू, ये बाजू आप ब्लाउज में भी बना सकते हैं, सूट में भी बना सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं। ये देखिए इसमें बना सकते हैं। और एक इसका फायदा ये भी है, अगर ये कपड़ा छोटा है और आपको थोड़ा लंबा बाजू बनवानी है तो ये जोड़ मतलब एक डिजाइन भी सा भी दिखेगा और जोड़ भी नहीं दिखेगा और सुंदर भी लुक देगा ये।
तो आप इस तरह से बना के देखना, और अगर मेरा डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आपको डिजाइन कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।